देवरिया जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के टड़वा गांव के रहने वाले प्रथम राष्ट्रीय राइफल्स फर्स्ट आरआर के जवान संतोष यादव शनिवार को श्रीनगर के सोपिया में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। इसकी सूचना सेना में ही तैनात संतोष के छोटे भाई मनोज यादव ने पिता को दी। खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मूल रूप से एकौना थाना क्षेत्र के सचौली पटवनिया गांव के रहने वाले शेषनाथ यादव मदनपुर के टड़वा में मकान बनाकर रहते हैं। उनके बड़े बेटे संतोष यादव 33 सेना के प्रथम राष्ट्रीय राइफल्स फर्स्ट आरआर में तैनात थे। करीब 10 वर्ष पहले वह सेना में भर्ती हुए थे। वर्तमान में श्रीनगर में उनकी तैनाती थी। उनके छोटे भाई मनोज यादव भी आर्मी में श्रीनगर में ही तैनात हैं। मनोज ने मोबाइल पर फोन कर पिता शेषनाथ यादव को घटना की जानकारी दी। परिजनों के अनुसार वारदात शनिवार की सुबह हुई। आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सेना के जवान सोपिया में कॉम्बिंग अभियान चला रहे थे। उसी दौरान मुठभेड़ हो गई। इस कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया, जबकि संतोष यादव और महाराष्ट्र के रहने वाले उनके साथी रोमित चौहान गोली लगने से घायल हो गए। सेना के जवानों ने दोनों को श्रीनगर स्थित आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की मौत हो गई। संतोष के छोटे भाई मनोज आर्मी अस्पताल में पहुंच गए हैं। परिजनों की उनसे लगातार बात हो रही है। घटना की खबर मिलते ही मचा कोहराम। संतोष के शहीद होने की खबर जैसे ही मिली, घर में कोहराम मच गया। पिता शेषनाथ यादव और माँ मैना देवी का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के लोग दोनों को ढांढस बंधा रहे हैं। संतोष की पत्नी धर्मशिला देवरिया में रहकर अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। घटना की खबर मिलते ही वह भी घर पहुंच गईं। वह बार बार बेसुध हो जा रही हैं। संतोष की सिर्फ दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी जाह्नवी 9 वर्ष की व छोटी बेटी 2.5 साल की है। खेती बाड़ी करते हैं पिता। दोनों बेटे थे सेना में। संतोष के पिता शेषनाथ यादव पहले विदेश में नौकरी करते थे। दोनों बेटे संतोष और मनोज सेना में भर्ती हो गए तो वह घर पर रहकर खेती बाड़ी करने लगे। उनकी तीन बेटियां मुन्नी, गुच्ची और माया हैं। मुन्नी और गुच्ची की शादी कर चुके हैं। माया की शादी नहीं हुई है। शहीद के घर पर जुटी भारी भीड़। घटना की खबर पल भर में ही पूरे क्षेत्र में फैल गई। शहीद के दरवाजे पर ग्रामीणों के साथ ही आसपास के गांवों के लोग भी पहुंच गए हैं। कई पार्टियों के नेता भी पहुंचकर शहीद के परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। आतंकी वारदात को लेकर लोगों के चेहरों पर आक्रोश साफ दिख रहा था।